हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे। अच्छा, जो जीते या हारे हम आपके साथ हैं। अपने टीवी तोड़ने दिल कर रहा। ठोका 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 ठोका। पाकिस्तान मैच जीत गया, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अनबिलीवेबल, इतनी खुशी है कि आप हम बयान नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली पीटीवी न्यूज़ वालों ने पूछा था, वो कहे पाकिस्तान जीतेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत गए हैं, हमें बहुत खुशी है इस बार चीज की। पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे। अच्छा, जो जीते या हारे हम आपके साथ हैं। टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क करें। वो तबाही कर दिया इंडिया की, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने टीवी तोड़ने दिल कर रहा। अच्छा, बादशाह की इनकी डिमांड है, अगला वजीर आजम बाबर आजम होना चाहिए। पाकिस्तानी पागल हो गया, किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ओ भाई इधर हालात बहुत खराब है, क्या हो गया? पाकिस्तान जीत गया, क्या कहेंगे? हाँ पूछो, इनसे पूछो, बोलो पाकिस्तान जीत गया, क्या कहोगे? भाई खुशी से पागल हो गया, खुशी से पागल हो गया भाई। पाकिस्तान बाबर आजम ने और रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। क्या कहेंगे आप भाई जी? मैं तो आज कह रहा हूँ कि कोहली सोएगा कैसे? क्या कहेंगे? मौका, पाकिस्तानी सड़कों पे, पाकिस्तान ने मैच जीता, पाकिस्तान। मैं क्या बताऊँ, अब हम पागल हो गई है। बहुत बहुत गलत सीन है यहाँ पे, ये नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, हम ये इसी दिन का इंतजार था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पहले कभी नहीं मिले भाई, क्यों नहीं मिली? आज मिल गई। आज हमें लगता है हमने चाचा को रोना आ रहा है। सर, मैं 1992 के बाद आज बाहर आया हूँ। अब 20 सालों में आज मैंने दोबारा वो सीन देखा है। मैं तब भी बाहर था, आज भी बाहर आया हूँ। 20 साल के बाद ये मौका आया है, मैं कहूंगा लव यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो थप्पड़ इनके मुंह में पड़ा है ना, ये सारी जिंदगी इनको, हमने इंडिया को शिकस्त दी है। आज इंडिया की टीम अंडर प्रेशर थी, पाकिस्तान की टीम बोली यू आर अ जेंटलमैन बट बाबर आजम यू आर अ स्टार। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने एक एक मूवमेंट देखी है और यकीन करें कि इतना दिल खुश हुआ है ना। पाकिस्तान एक तो जीता है लेकिन इंडिया भी आज हारा है। जी नाज़रीन, तो भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक जश्न का समा है। तासुरात बस यही है कि मुंह से यही निकल रहा है कि कमाल है इनके साथ, कमाल है इनके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। जो थप्पड़ इनके मुंह में पड़ा है ना, ये सारी जिंदगी इनको याद रहे। फीलिंग्स ये है कि बहुत खुशी हुई है हमें देखकर। सारा मैच जो है कि इन्होंने शुरू से लेकर एंड तक इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है फील्डिंग में, बैटिंग में, और बाबर आजम पूरी टीम कॉन्फिडेंट थी। आज इंडिया की टीम अंडर प्रेशर थी, पाकिस्तान की टीम नहीं थी। आज पाकिस्तान स्मैश्ड इट, राइट? इट वाज आउटनंबर्ड, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। कोहली यू आर अ जेंटलमैन बट बाबर आजम यू आर अ स्टार। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान जो इंडिया से जीता, वो पाकिस्तानी अवाम की जितनी पहले की फरमाइश थी वो सारी की सारी पूरी हो गई, पूरी हो गई, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक तो जीता है लेकिन इंडिया भी आज हारा है। आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आप मुझे ये बताएं कि आपने मैच कहाँ पे देखा है? मैच हमने घर पे देखा। अच्छा। वी हैड अ स्मॉल गैदरिंग, सो फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल गॉट टुगेदर। तो मैच जीतने के बाद आपका प्लान लिबर्टी मार्केट कैसे आया? भाई लोहरी है, ये लोहरी है हम लोग। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे सब बज होना है, यहाँ पे सारे लोहरी इकट्ठे होंगे, और ये सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये कौम को इस चीज की जरूरत थी। जी नाज़रीन, तो भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक जश्न का समा है। देख सकते हैं किस तरह जो है लोहरी धूम मिल रहे हैं। जी, तो कैसी फीलिंग आपकी? यार बहुत अच्छा, आज अगला वजीर आजम जो है बाबर आजम आएगा। क्या फील कर रहे हैं भाई? इस टाइम दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। अरे कमाल हो गया भैया, कमाल हो गया। पाकिस्तान, अभी सेलिब्रेशन कैसी चल रही है आपकी? सर कुछ नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा। समझ नहीं आ रही क्या करें। अच्छा। दिल तो करता है छलांगे मारे ऊंची ऊंची। मैच कहाँ पे देखा है? मैच एलसीडी में घर पे देखा है। अच्छा। और भरपूर देखा है कि बॉल देखी है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों समेत आप जश्न पे निकले हुए हैं। जी जी, ऑफ कोर्स। तो बच्चों की खुशी का क्या हाल है? सर आप देख लें, भाई लटके हुए बुखार की हालत में है, लेकिन पता नहीं है बुखार इनका होता। कितना खुश हो? बहुत ज्यादा खुश हो गए पाकिस्तानी टीम से? खुश हो गए?
बहुत खुश हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने एक एक मूवमेंट देखी है और यकीन करें कि इतना दिल खुश हुआ है ना।